हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आई क्यू। एग्जाम आई क्यू इस वीडियो में शुरू करते हैं झारखंड जीके। तो झारखंड जीके के अंतर्गत आज पढ़ेंगे हम लोग झारखंड की प्राचीन इतिहास। तो झारखंड का प्राचीन इतिहास, तो इस प्राचीन इतिहास से बनने वाले सारे सवाल इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो झारखंड का प्राचीन इतिहास, और इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक से दो सवाल पूछे ही जाती है, तो अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या आता है, तो पहला सवाल आता है तो झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, तो झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर हो जाएगी, ऑप्शन डी। तो झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति की बात की जाए तो असुर हो जाएगा। और यहाँ अगर जनजातियों की बात करते हैं तो झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की संख्या कितनी है, तो टोटल 32 जनजाति हैं। 32 जनजातियों में 8 को आदिम जनजाति का प्राप्त है दर्जा प्राप्त है। तो झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है, 8। तो उसी आदिम जनजाति के अंतर्गत एक जाति है असुर, वही असुर जो है जो झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। तो झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति क्या हो जाएगा, असुर। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो कांस्य युगिंग औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है, तो कांसे के औजारों को प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है, तो आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असुर। तो असुर को कांसे के औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है, तो असुर ही झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति भी है और एक आदिम जनजाति भी है। तीसरा सवाल देख लेते हैं। तो तीसरा सवाल क्या है, तो झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन की पहचान करना है, तो आंसर क्या होगा, अगर इसमें तो सब कथन पढ़ना होगा तो क्या है। पहला कथन है तो यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था, तो बिल्कुल सही है, यानी कि गलत नहीं है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंहवंश, चेरोवंश और रक्सेल राजाओं के अधीन राज्य का शासक था, तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही हो जा रहा है। तीसरा क्या है, लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा था, तो तीसरा क्या है, तीसरा गलत है, लंबे समय तक यह बाहरी दुनिया से नहीं कटा था। तो चौथा क्या है, तो प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से ढका हुआ था, बिल्कुल सही है। तो चार कथन इनमें ए बी डी गलत सही है, लेकिन तीसरी कथन है कि लंबे समय तक यह बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, ये कथन गलत है। तो यही कथन सवाल के अनुसार यही कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असत्य कथन है, बाकी बात तीनों सत्य है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो नव पाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं, तो नव पाषाण काल में 12 हस्त कुठार मिले हैं, उनमें कितने हस्त कुठार थे जो छोटा नागपुर क्षेत्र से मिले थे, तो आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। तो 12 के 12 हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश से पाए गए हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, पाँचवा सवाल है, तो झारखंड में ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था, तो झारखंड में ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन सा स्थान था, तो पांचवा का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंहभूम। तो झारखंड में ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन सा हो जाएगा, सिंहभूम। तो सिंहभूम जो था झारखंड में ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या हो जाए, अगला सवाल है तो झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्र पाषाण काल से था, तो झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध किससे है, ताम्र पाषाण काल से, तो आंसर क्या होगा, तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहरागंडा। तो बहरागंडा से तांबे के 49 खानों के अवशेष मिला है जिसका संबंध ताम्र पाषाण काल से है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा बहरागंडा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है तो झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है, तो झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों को प्रारंभकर्ता माना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो असुर और बिरजिया। तो असुर देख सकते हैं, देख लिए तो पहले इसमें एक और इंक्लूड हो जाता है बिरजिया। तो झारखंड में लौह युगीन औजारों को प्रारंभकर्ता कौन कौन सी जनजाति को माना जाता है, असुर और बिरजिया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आठवां सवाल देख लेते हैं, आठवां सवाल है तो निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो झारखंड में कौन सा स्थान है जहाँ पे नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र मिले हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको, तो इसको हजारीबाग में आदि मानव द्वारा निर्मित अंतरिक्ष मंडल शैल चित्र दीर्घा और अंतरिक्ष यान
और अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र मिले हैं, तो इसको रिस्को है कहाँ, हजारीबाग में, ये भी माइंड में रखिए। ये भी पूछा गया है तो इसको कहाँ पे स्थित है, हजारीबाग जिले में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नौवां सवाल देख लेते हैं, तो झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, तो झारखंड के कहाँ किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, तो आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में। तो झारखंड के सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। तो झारखंड में बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ मिले हैं, सीतागढ़ पहाड़ से, तो सीतागढ़ा पहाड़ कहाँ है, तो सीतागढ़ा पहाड़ जो है हजारीबाग जिले में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दसवां सवाल क्या है, तो झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें हिरण भैंसा आदि पशुओं के चित्र है, तो झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र मिले हैं, जिसमें हिरण भैंसा आदि पशुओं के चित्र बने हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवनाथपुर। तो भवनाथपुर गढ़वा से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र मिले हैं, जिसमें हिरण भैंसा आदि पशुओं के चित्र अंकित है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 11वां सवाल देख लेते हैं, तो निम्न में से किस स्थान पे 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली है, तो 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां किस स्थान से मिली है, तो आंसर क्या होगा, तो सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर 11वां का हो जाएगा ऑप्शन सी, बेनू सागर से। तो बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली है। और झारखंड में जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ पे है, पार्श्वनाथ पर्वत, जिसको संवेद शिखर भी बोला जाता है, तो पार्श्वनाथ पर्वत जो है गिरिडीह जिले में स्थित है, और पार्श्वनाथ पर्वत झारखंड सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अगर फीट में बात की जाए तो क्या हो जाएगा, फीट में बात की जाए 4480 फीट है, और झारखंड का सर्वोत्तम चोटी है। 12वां सवाल देख लेते हैं, तो निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसको हजारीबाग जो पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग में स्थित है, तो इससे क्या नहीं मिला है, तो आंसर क्या होगा, तो इसका वहाँ से मिला है खुला सूर्य मंदिर, इसको हजारीबाग से मिला है, बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला है, तो दूसरा भी मिला है, लेकिन कब्रगाह के अवशेष नहीं मिले हैं, तो कब्रगाह के अवशेष लुपुंगड़ी से मिले हैं, और शैलचित्र दीर्घा भी इसको हजारीबाग से मिले हैं, लेकिन कब्रगाह के अवशेष हजारीबाग से नहीं मिले हैं, इसको हजारीबाग से कहाँ से मिले हैं, कब्रगाह के अवशेष लुपुंगड़ी से, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सवाल के अनुसार सवाल था, इसको हजारीबाग से कौन सा पुरातात्विक अवशेष नहीं मिले हैं, तो वहाँ से मिले हैं सूर्य खुला सूर्य मंदिर, बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र और शैलचित्र दीर्घा, लेकिन कब्रगाह के अवशेष नहीं मिले हैं, और कब्रगाह के अवशेष कहाँ मिले हैं, कब्रगाह के अवशेष लुपुंगड़ी से मिले हैं। 13वां सवाल देख लेते हैं, 13वां सवाल क्या है, तो 13वां सवाल है, तो झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो लुपुंगड़ी से कब्रगाह के अवशेष मिले हैं, तो इसमें गलत का पहचान करने बोला है, तो बिल्कुल मिले हैं, तो लुपुंगड़ी से कब्रगाह के अवशेष मिले हैं, नामकुम से तांबे और लोहे के औजार के फलक प्राप्त हुए हैं वो भी मिले हैं, लेकिन दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये नहीं मिले हैं, और बोनगोरा से हाथ से बने मृद्वान तथा पत्थर के मनके मिले हैं, तो ए बी डी गलत है, यानी सही है सब, लेकिन सवाल के अनुसार कथन असत्य क्या हो जाएगा, तो दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो यह अभिलेख नहीं मिले हैं, तो यही कथन सवाल के अनुसार असत्य की है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, तो सवाल था असत्य है, तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकी बात तीनों कथन सही है लेकिन ऑप्शन सी गलत है। अगला सवाल क्या है, तो झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल, तो पुरापाषाण काल के झारखंड में सबसे प्राचीन अवशेष मिले हैं, तो झारखंड में पुरापाषाण काल के सबसे प्राचीन अवशेष मिले हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 15वां सवाल देख लेते हैं, तो झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालिक मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं, तो झारखंड के किस जगह से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग से, तो झारखंड के हजारीबाग से
पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। तो पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार कहाँ से मिले हैं? तो हजारीबाग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 16वां सवाल क्या है? तो हजारीबाग में स्थित इसको के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसको के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये सवाल पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या? तो यहाँ भूल भुलैया जैसे आकृति प्राप्त हुई है, तो ये भी कथन सही है। तो गलत कथन की पहचान करना है, तो गलत ये तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा क्या है? यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई, तो ये भी कथन गलत है। अनिल मिली है, बिल्कुल सही है, ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी क्या है? तो यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र बने हैं। यानी ए बी सी गलत यानी सही है, सभी कथन सही है। और डी क्या है? उपरोक्त सभी कथन सत्य, यानी कि ए बी सी सभी कथन सत्य है। तो कौन कौन कथन था? तो इसको के संबंध में भूल भुलैया जैसे आकृति मिली है, बिल्कुल सही है। यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैलचित्र दीर्घा प्राप्त हुई, ये भी सही है। यहाँ से प्राप्त शैलचित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र मिले हैं, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, तो झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं हैं दुर्लभ शैल चित्र मिले हैं? तो झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं और शैल चित्र मिले हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 17वां का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, भवनाथपुर गढ़वा से। तो भवनाथपुर गढ़वा से प्री हिस्टोरिकन एज के प्राकृतिक गुफाएं और दुर्लभ शैल चित्र मिले हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 18वां सवाल देख लेते हैं, तो झारखंड के निम्न से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष मिले हैं? तो देख चुके हैं ऑप्शन में, तो कब्रगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लुपंगड़ी से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो झारखंड में कब्रगाह के अवशेष कहाँ मिले हैं? लुपंगड़ी से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19वां सवाल क्या है? तो सिंहभूम के किस स्थान से हस्तनिर्मित मृत भांड के अवशेष, पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी प्राप्त हुए हैं? तो सिंहभूम के किस स्थान से हाथ से निर्मित मृत भांड के टुकड़े अवशेष, पत्थर के मनके एवं कुल्हाड़ी इत्यादि प्राप्त हुए हैं? तो आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोनगरा से। तो सिंहभूम के बोनगरा से हाथ से निर्मित मिट्टी के बर्तन के अवशेष, पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 20वां, तो 20वां सवाल है, तो झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे के प्याला मिला है? तो झारखंड में कहाँ से कांसे का प्याला मिला है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कांसे का प्याला कहाँ से मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहरदगा। तो लोहरदगा से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21वां सवाल क्या है? तो झारखंड के किस स्थान से चार पैर वाली पत्थर की चौकी मिले हैं, जिसके पटना संग्रहालय में सुरक्षित है? तो चार पैर वाली पत्थर की चौकी झारखंड के किस स्थान से मिले हैं? तो आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 21वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडू। तो पांडू से चार पैरों वाली पत्थर की चौकी मिली है, जो अभी पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा इसका। 22वां सवाल क्या है? तो 22वां सवाल है, तो इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो चारों ऑप्शन के अनुसार कहाँ से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार मिले हैं? तो 22वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांडू। तो पांडू से मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार मिले, तो पांडू, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 23वां सवाल क्या है? तो हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर मिला है? तो हजारीबाग जिले के कहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा, देख चुके हैं ऑप्शन में, इसको हजारीबाग में स्थित है। अगला सवाल, तो हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं? तो हजारीबाग के किस स्थान से तांबे के 49 खानों का स्थान मिले हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बहारगंडा, ऑप्शन बी। तो बहारगंडा जो हजारीबाग में है, वहां पे तांबे के 49 अवशेष प्राप्त हुए हैं। 25वां, हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? तो हजारीबाग जिले में किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुपुंगड़ी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका 25वां का। 26वां क्या है? तो 26वां है, तो रांची जिले के किस स्थान से तांबे और लोहे के औजार के बाण और
फलक प्राप्त हुए हैं तो रांची जिला के किस स्थान से तांबे और लोहे के औजार और बाण प्राप्त हुए हैं, तो आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर 26वां का हो जाएगा ऑप्शन बी नामकुम। तो नामकुम से तांबे और लोहे के औजार और वाण प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, कांसे के प्याला कहाँ से मिला है, तो कांसे के प्याला देख चुके हैं लोहरदगा से प्राप्त हुआ है, तो कांसे का प्याला लोहरदगा से मिला है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28वां सवाल क्या है, तो झारखंड के राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है, तो झारखंड के किस जगह से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श की मुद्रा में एक भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है, तो आंसर क्या होगा, लातेहार के पलामू किला से, तो लातेहार के पलामू किला से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो ये थे झारखंड के प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रिपरेशन।